हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभूतिस डेली एप्रन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और विंटर सीज़न भी एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, विंटर सीज़न होता ही है एंजॉय करने के लिए। खाने का भी बहुत मन करता है, बनाने का भी बहुत मन करता है, तरह तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी और टेस्टी बिहार की फेमस और ट्रेडिशनल मुरौड़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत यमी होती है। इसका कॉम्बिनेशन आलू मटर की सब्ज़ी है, चाहे तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ किचन में चलते हैं और बनाते हैं मुरौड़ी और देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मुरौड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने एक दो मूली बड़ी सी ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ग्रेट कर लिया है। ये मेरा चावल का आटा है, ये मेरा सोया है जिसको मैंने अच्छे से बारीक चॉप्ड कर लिया है। ये बिल्कुल धनिया पत्ता जैसा होता है, आप इसी को यूज़ करें इसमें, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नमक लिया है मैंने, हरी मिर्ची चॉप्ड है, अजवाइन और थोड़ा सा कलौंजी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मुरौड़ी बनाना। इसके लिए मैंने एक मोटे तले की बड़ी सी कढ़ाई ली है, इसको हम गैस पे चढ़ाते हैं और इसमें अभी हम ऑलमोस्ट एक कप के लगभग पानी डालेंगे। पानी डाल दिया है मैंने, अब इसमें हम अपना ग्रेटेड मूली डालेंगे। इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम अपने सारे मसाले मिलाएंगे। ये मैंने हरी मिर्ची डाल दिया है, कलौंजी, अजवाइन, सोया, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा बॉईल होने के लिए छोड़ दें। नमक भी ऐड कर दें और इसे हम बस थोड़ा सा बॉईल होने के लिए वेट करेंगे। देखिए, 5 मिनट में ही हमारा मूली जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है। इसमें अभी हम अपना चावल का आटा डाल देंगे और इसको मिलाते जाएंगे। ये देखिए, हमारा जो आटा है उसने पूरी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और अपने इस मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसका हमें एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिला देंगे और इसको बस चलाते हुए थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आटा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसी में हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसको भी अभी हम साफ़ कर लेते हैं और धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते करते धीरे धीरे इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करते जाइए। बाकी जो बचा था सोया, वो भी मैंने इसमें ऊपर से मिला दिया है और इस तरीके से देखिए ये मेरा डो रेडी होता जा रहा है। ये देखिए, मेरा डो बिल्कुल रेडी है, सॉफ्ट भी है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और हम फिर इसकी पूड़ी बनाएंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से। जैसे हम पूड़ियों के बनाते हैं इस तरीके से मैंने पेड़े बना लिए हैं। इसको हम अभी हम हल्का हल्का बेलेंगे
ध्यान से बेलिएगा क्योंकि बहुत जल्दी फट जाता है। थोड़ा सा ऑयल लगा लिए और धीरे धीरे बेलिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। हल्के हाथों से उठाएं, ये देखिए इसी तरीके से आप अपनी सारी मुरादी को रेडी करते जाएं। ये देखिए मैंने अभी चार मुरादी बिल्कुल रेडी कर दिया है। अब इसे हमें डीप फ्राई करना है और फटाफट गरम गरम आलू मटर की सब्ज़ी के साथ खाना है। तो फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया है। तो इसमें अभी हम डालेंगे वन बाई वन अपना मुरौरी। इसको मैंने धीरे धीरे उठाया है। तो लीजिए फ्रेंड्स आपका गर्मा गर्म मुरौरी बिल्कुल रेडी है आलू मटर की सब्जी के साथ। तो फ्रेंड्स इसे बनाइए, खाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।